प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा ए। श्री महामती कहे ए मोमिनो, भया चर्चा काबख, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे, तो हमारा क्या चलत भयाते की कहे ह, महामती कहे मोमिनो और कहो हकीकत जे ह, और कहो हकीकत जे ह। ये समाचार सुनियो दामदनी अक्षरातीत, ये बित्तक साहेब के घटनाक्रम का वर्णन करवा रहे हैं। कल के घटनाक्रमों को जोड़ते हुए, कल हमने देखा घटनाक्रम के माध्यम से, प्रसंग के माध्यम से, कि हमारे 12 मोमिनों ने औरंगजेब बादशाह के साथ मिलाप करने के लिए, भेंट करने के लिए क्या क्या प्रयास किया। भेंट तो हुई लेकिन अधूरी विजय हुई। और आगे हमने कुरान के साक्षियों के माध्यम से, कुरान में कई जगह साक्षियां लिखी हुई है कि जब इमाम मेहंदी आएंगे क्यामत जाहिर होगी, 7 निशान जाहिर होंगे, तब इस संदेश को ये मुस्लिम लोग, जिसने दावा तो लिया मोमिनों का और हिंदुओं को काफिर कहा, सही में वास्तव में मोमिन कौन है? जो मोम की तरफ पिघल जाए वो मोमिन है। उसके अंदर कितनी कोमलता, कितनी शालीनता, कितनी विनम्रता, कितनी दया, प्रेम। लेकिन वो लोग तो इतने क्रूर और अत्याचारी। कल हमने देखा कि हमारे मोमिनों पर कैसे सिद्दी पोलाद ने कसाला ढाया, कैसा अत्याचार किया। तो दावा लेने से थोड़ी परम धाम की मोमिन बन सकते हैं। आज हम सुंदर साथ को भी धाम धनी इस वितक के घटनाक्रम के माध्यम से समझा रहे कि सुंदर साथ जी, दावा लेने से कुछ नहीं बनेगा। आज मेरे को एक सुंदर साथ का फोन था सुबह को, तो उसने मेरे को बताया कि
दीदी मैंने 20 साल पहले तारतम ले लिया है, तो आज कोई मेरे को दोबारा तारतम लेने के लिए बोले कि यहाँ का ज्ञान लो, ये करो, यहाँ तारतम ले लो, तो मैंने इतना ही समझाया कि चाहे 50 बखत तारतम ले लो, तारतम की 6 चौपाई लेने के बाद जब हम वाणी की सच्ची राह पर नहीं चले, विरह में नहीं डूबे, मूल निस्बत की पहचान नहीं की और प्रेम की राह पर चलकर धाम धनी के दीदार के लिए हम चितवनी में नहीं बैठे और हमारे अंदर कोई वाणी का ऐसा कोई गहरा चिंतन स्वाध्याय कोई मनन नहीं है, तो हम चाहे 10 क्या 20 लोगों से तारतम ले लो, क्या फायदा। वैसे तो दत्तात्रेय ने 24 गुरु धारण किए, कितने 24, जहां जहां सत्य मिला किसी एक के अंदर भी एक एक के गुण को देखा, सांप को भी गुरु बनाया और वेश्या को भी गुरु बनाया, जहां हमारी आत्म का कल्याण हो, जो सत्य की राह बताने वाला पथ प्रदर्शक हो। तो मैंने आज सुबह को यह समझाया कि तारतम लेने से ऐसे कोई फायदा नहीं, बस वो वाणी पढ़ने लगो राज जी की तारतम वाणी और बस चितवनी करो, ध्यान में डूबो, इससे आपका कल्याण होगा। वैसे यहां भी मुसलमानों ने जाहिरी दावा लिया कि हम ही मुसलमान है, तो धाम धनी ने क्या बताया इस प्रसंग के माध्यम से कि दावा तो लिया लेकिन उसने पैगाम स्वीकार नहीं किया, वो तो कर्मकांडी शरीयती मुसलमान से ऊपर का मायना लिया, ऊपर की ही बात को जाना, बातूनी गुह्य रहस्य को वो जान ही नहीं पाए क्योंकि वो परम धाम के मोमिन नहीं थे। संदेश को ठुकराया दरबारियों ने, हाँ औरंगजेब बादशाह के अंदर तो परम धाम की शाकुमार बाई बैठी है, उसके अंदर थोड़ी पहचान भी बनी, लेकिन आसपास में दरबारियों में जब खटपट शुरू हुई, और मैंने कल भी बताया था परसों भी बताया था कि मूल स्वरूप का अभी आदेश नहीं था, जो मूल स्वरूप ने दिल में लिया वही हुआ। और आगे हमने पत्री के माध्यम से, बड़ी पत्री के माध्यम से धाम धनी ने हम सब सुंदर साथ को क्या सिखापन दी, और जो सिद्धि पोलाद के द्वारा कसाला ढाया गया, मार पड़ा, तो मोमिनों का मनोबल दृढ़ रहे, एक साथ हम जुट बन के रहे, संगठन और एकता बना के रखे, क्योंकि श्री जी को विचार आया कि उन लोगों पर कसाला पड़ा है और बात भी फैल चुकी है, आसपास में जाहिर हो चुकी है, उसको विचार आएगा, क्या विचार आएगा, एक ऐसा अक्षरातीत, एक ऐसा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वो इतना समर्थ नहीं है कि हमारे पर ये मार पड़ा, हमारे पर इतना कष्ट हुआ, तो यहाँ सबका मनोबल दृढ़ रहे, सब एक जुट बनकर रहे। तो श्री जी ने कल बड़ी पत्री के माध्यम से क्या क्या सिखापन दी और बल भी दिया कि कोई हिंदू आए तो कैसे जवाब देना, कोई मुस्लिम आए तो कैसे उसके साथ आचरण करना, हमारी गरिमा कैसे बना के रखना, और अपना जब तक ना बने तब तक अपने नम्रता से कैसे बात करना। तो ये जो सब सिखापन के रूप में धाम धनी ने पत्री के माध्यम से सिखापन दी, इतना नहीं अंतिम बोला कि मैं आपका आदेश हो है सुंदर साथ, आपकी इच्छा हो तो मैं आगे और राजाओं को जगाऊं,
कि राजा ने मलोड़े राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जोधारे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी छोड़ो। कि एक एक राणा, एक एक पातशाह, एक एक राजाओं को संदेश दो कि तुम जागो, हमारा हिंदू धर्म जा रहा है। मुगल शासनों ने बहुत हद कर दी है, मतलब इतना शोर मचा के रखा है। तो यहाँ श्री जी ने बोला कि मैं आपका उपराला, आपकी भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ एक जगह बैठ के, जो आपका आदेश हो तो मैं आगे और जगह जगाने के लिए, जागनी संबंधी संदेश देने के लिए जाओ और औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए मैं और प्रयास करूँ। और अंतिम चौपाई में बताया कि तो हमारा क्या चलत भैया तहकी के। यहाँ महामती जी क्या कहते हैं कि सुंदर साथ जी मूल स्वरूप धाम धनी ने पहले ही दिल में ले लिया था, तो वहां हमारा क्या बस चलता, उससे विपरीत हमारा क्या बस चलता, हमारा क्या चलता। जो दिल में लिया था वही होने वाला था और वही हुआ, होने वाला नहीं था वही हुआ। तो आगे धाम धनी ने बताया कि इसलिए मुझे आगे जाना ही पड़ेगा, तो धाम धनी के हुक्म से, आदेश से मैं आगे जा रहा हूँ। और आगे सुंदर साथ जी छोटी पत्री के माध्यम से, छोटी पत्री किसको कहते हैं, जो बड़ी पत्री में धाम धनी ने कई सिखापन के रूप में मोमिनों को जो सिखापन दी और इतना नहीं मनोबल बढ़ाया, लेकिन उसमें से कुछ अंश छूट गए, जो कुछ कुछ बातें कहने की छूट गई थी, तो ये छोटी पत्री के अंदर शामिल कर दी। तो इसमें थोड़ी कम चौपाई है, बड़ी पत्री के बराबरी से कम चौपाई है, इसलिए उसको छोटी पत्री कही गई। और छोटी पत्री में श्री जी तो पत्री में जो जो सुंदर साथ को सिखापन देनी है ये तो लिखेंगे, लेकिन उसी के साथ सुंदर साथ भी पत्र लिखते हैं और जगह से, कोई सिद्धपुर से, कोई सूरत से, कोई उदयपुर से, कोई मेरते से, तो वो जवाब भी छोटी पत्री में शामिल किया गया है। किसका, और सुंदर साथ के जो पत्र आते हैं वो भी उसमें शामिल किए गए हैं। तो ये छोटी पत्री में हम आगे बढ़े। ये समाचार सुनियो, हम सूरत और सिद्धपुर और उदयपुर मेरते लिखे आए हम पर। यह महामती क्या कहती है कि हे सुंदर साथ जी आप सुनिए। क्या सुनिए, कि मेरे पास सूरत, उदयपुर, सिद्धपुर और मेरते से जो पत्र आए हैं ये मैंने पढ़ा, और इतना नहीं, पढ़ने के बाद मैंने यहाँ से जो छोटी पत्री और मैं भेज रहा हूँ। क्या बोला श्री जी ने कि बाहर से भी सुंदर साथ के पत्र आए हैं और यहाँ भी मैंने पत्र जो लिखा है वो शेख बदल आके आपको, कांजी भाई और शेख बदल आपके आपको आके बताएंगे, वहाँ पत्र आपके हाथ में देंगे। तो साथ भाई शेख बदल लिखा कर कहे वचन, पाती भी लिखी इत विद कर तो रोशन। यहाँ कांजी भाई और शेख बदल मेरे द्वारा लिखे हुए पत्र लेकर आपके पास आ रहे हैं और आपको इस पत्र से विदित होगा कि आगे आपको क्या क्या जागनी संबंधी कार्य करना है। इन सकुमार भाई की बात का किया है विचार, ये तो शायद ही बहुत बड़ी धुना धुन नहीं सुमार। हमने यहाँ श्री जी क्या लिखते हैं कि हमने साकुमार कौन है, औरंगजेब बादशाह की जागनी संबंधी हमने बहुत प्रयास किए। यहाँ श्री जी सांत्वना देते हुए क्या कहते हैं, हमने बहुत प्रयास किए लेकिन साकुमार क्यों नहीं जगे। चलो मैंने पहले तो बता दिया कि मूल स्वरूप का आदेश ही नहीं था, यहाँ राज्य यहाँ की लौकिक दृष्टि से आसपास का क्या वातावरण था ये धाम धनी बता रहे कि साकुमार हम संदेश देने के लिए कोई प्रयास की कमी नहीं छोड़ी,
आज कितने 3-4 दिन से दिल्ली को प्रसंग को हम देख रहे हैं, दिल्ली के प्रसंग को हम देख रहे, कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन क्यों नहीं जगी, क्यों ये संदेश को स्वीकार नहीं किया, क्यों ठुकराया। लेकिन यहां बताया कि उसके पास बहुत बड़ी दौलत थी और सेना भी थी, आसपास इतनी स्वयं रक्षक, इतनी बड़ी सेना और धुनाधुन साहेबी, धन दौलत पैसे से भी वो भरपूर थी। इतना नहीं और आगे भी बताया कि उसके पास सत्ता का भी प्रभाव, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के वो राजा थे, कौन, औरंगजेब बादशाह, तो उसके पास सत्ता का भी बहुत बड़ा प्रभाव था। तो यहाँ श्री जी ने बताया कि तुमने जगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आसपास के प्रभाव के कारण, सत्ता के प्रभाव के कारण हम नजदीक जाके आमने सामने हम चर्चा नहीं कर पाए। तो आप सोचिए सुंदर साह जी, वो चर्चा के बिना कैसे जागृत हो सकता है। और आगे दूसरी चौपाई में बताया श्री जी ने, क्या बताया कि सुंदर साह जी हमने पत्र भेजा, कहां भेजा पत्र, औरंगजेब बादशाह के पास, कैसे, तो आगे मैंने बताया था कि जेक शेख सलेमान से मिले। शुरू में हम जब दिल्ली की बीतक शुरू हुई तो पहले शेख सलेमान से मिले, उसके बाद आशा जी, वैसे वैसे तो बहुत बक्तावर और कई ऐसे नजदीकी लोगों से हम मिले, लेकिन उसके बाद जो हमने प्रयास किया, 5 उसके नजदीक के अधिकारी कौन कौन से, जब नलुआ का प्रसंग मैंने बताया था, शेख इस्लाम, काजी, फिर शेख निजाम उसके गुरु, और रजवी खान दीवान, और सिदी औलाद कोतवाल, और अकील खान जो कुरान के विद्वान, तो 5 को भी नलुए के माध्यम से हमने पत्र पहुंचाया। लेकिन क्या हम रूबरू सामने होकर चर्चा थोड़ी कर पाए, ये तो चर्चा से जागृत होगा। यहाँ श्री जी ने क्या बताया, ये तो चर्चा से जागृत होगा। तो सुंदर साची हमारा भी ऐसा ही है, व्रज और रास में, ध्यान से सुनिए, व्रज और रास में धनी तो सामने रहे, लेकिन ये वाणी कृष्ण के तन में राज्य की आवेश शक्ति ने प्रेम की लीला की, ब्रज में कैसी माधुर्य प्रेम से भरी हुई लीला हुई, लेकिन वाणी उतरी नहीं थी। रास में भी कई रामतों के माध्यम से प्रेम के विलास की लीला की, लेकिन वाणी नहीं उतरी थी। जागनी ब्रह्मांड में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के समय में भी ब्रज रास और धाम की बात कही, लेकिन जागनी की शुद्ध मतलब ये वाणी नहीं उतरी थी, ये आखिरी इलम जो मुतलक इलम आना चाहिए, ये वाणी उतरी नहीं थी। तो क्या हुआ, फिर राजी ने बताया कि सामने सामने चर्चा, मतलब जब ये वाणी उतरी, और वहां भी श्री जी ने बताया कि आमने सामने चर्चा नहीं होती, तब तक औरंगजेब बादशाह के अंदर कैसे विचार आता। और अगली चौपाई में फिर बताया, ये बात तब होए तिस्वास्ते लिखिया तुम, जो ब्राह्मण गायत्री शूद्र को कहे सुनावे नाही अम। ये बात मैंने इसलिए लिखी सुंदर साह जी आपको, क्योंकि पहले छूत अछूत का बहुत, मतलब वो समय था आज से 400 साल पूर्व छूत अछूत का, क्योंकि ब्राह्मण नीची शूद्र जाति को एक स्पर्श करने में भी अपने को अछूत मानता था। और ये लोग क्या मानते थे, सही में तो कर्म के आधार पर जाति निश्चित होती है, ये लोगों ने जन्म के आधार पर जाति निश्चित की, मतलब अपनी बनी बनाई हुई पौराणिक मान्यता के अनुसार। लेकिन कर्म कैसा है, मान लो रावण है, रावण ब्राह्मण कुल में तो जन्मा, जन्माने, लेकिन कहलाया क्या, राक्षस,
ठीक है। और एक दिन मैंने बताया था कि चाहे जामवाली ऋषि ले लो, रविदास मीराबाई के गुरु लो, ठीक है, वो शूद्र थे तो भी महान महापुरुष कहलाए ने, ऋषि कहलाए ने, क्योंकि वो उसके कर्म गुण स्वभाव और कर्म उच्चे थे, कर्म के अनुसार ही जाति निश्चित होती है। तो यहाँ क्या बताया कि पहले छूत अछूत का ऐसा समय था कि ब्राह्मण लोग शूद्र जाति के नीची जाति के लोगों को जो गायत्री मंत्र भूभुस्व तत्सवितुर्वर्ण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो जो गायत्री मंत्र उसमें एक परब्रह्म की पहचान का स्पष्टीकरण किया गया है, भू पृथ्वी से लेकर जो भर्गो देवस्य जो देवों के भी देव अधिपति एक परब्रह्म की पहचान दी गई है, तो ये शूद्र लोगों के कान में नहीं, जो कदाचित कोई सुना देता था तो उसमें ग्लास मतलब कांच भोंक दिया जाता था अंदर, क्योंकि बहुत छूत अछूत का तभी समय था। और फिर आगे की चौपाई में बताया कि तब कुरान मुस्लिम लोग इतने कर्मकांडी शरीयत के मानने वाले कि कुरान भी हिंदू के हाथ में आना तो दूर, लेकिन उनकी चर्चा कुरान की चर्चा भी कोई हिंदू सुन ले तो भी कितना वो उस पर जुल्म गुजारते थे, मतलब उसकी चर्चा भी नहीं सुनने देते थे कुरान की, और बादशाह हमारी भी चर्चा मतलब हमारी भी बात सुनना नहीं चाहते थे, और कुरान संबंधी चर्चा भी किसी को सुनने नहीं देता था। तो ऐसी परिस्थिति में बादशाह को कैसे ईमान आए, यहां एक एक बातों से राजी क्या समझा रहे हैं कि तो ये लोग इतना नहीं, साधु संतों की वाणियों में वेदांत दर्शन में और अलग धर्म शास्त्रों में वेशभूषा जाति का तो खंडन ही किया गया है, लेकिन इसी की ओर कोई आत्म कल्याण के लिए ध्यान ही नहीं देता, बस उसी बात को नकार दिया कि भाई जाति वेशभूषा और बोली उसी के बंधन में हम क्यों बंधे रहे, ये तो एक गोविंद भेड़ा की एक नगरी है, गोविंद पटेल की एक भूत की प्रेत नगरी है, ये संसार कुछ है ही नहीं, ये संसार पूरा इसी में बंधा हुआ है, तो हम इसी की बात को क्यों ध्यान धरे। और आगे भी बताया कि मोहम्मद साहेब जो कुरान लेकर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु वसलम, तो उन वो कुरान के अंदर हमारी बहुत सी साक्षियां है परम धाम की, ब्रह्मात्माओं की, तो हे सुंदर साथ जी वो भी निजानंद की सच्ची राह बताने वाले हैं। और आगे भी बताया फिर कि ऐसा जानम बारह जने पेठे बीच दरबार, सोम को सकुमार ने कहिया मजलिस यो कर, ये जान कर तो हम बारह सुंदर साथ कहाँ बैठे थे, कल की बात में मैंने पूरा समझा दिया था कि औरंगजेब बादशाह के दरबार में, और इतना नहीं जैसे ही हम दरबार में प्रवेश किया तो दरबारी लोगों ने हमारा सम्मान किया, इतना नहीं धन्य धन्य भी कहा है, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में यह हुआ कि इन लोगों को एक डर पेट गया, एक संशय पैदा हुआ कि कदाच ये हमारा शत्रु बनकर तो ये लोग हिंदू लोग मुस्लिम वेशभूषा धारण करके हमारा शत्रु बनकर तो नहीं आए ने, तो उसके आसपास ही दरबारी लोगों ने औरंगजेब बादशाह की कान भर दिए, तो पहले तो हमारी बात को वो स्वीकार करने के लिए तैयार भी थे, लेकिन फिर उसके अंदर कान मतलब चुगली कर दी तो हमारे से वो दूर हो गए। किन ने भेजे आए काजी ए कहिया कोतवाल को, सांच झूठ देखो तुम, तो देखो पहले तो विश्वास आ गया था, फिर शेख इस्लाम काजी ने क्या बोला सिद्दी पोलाद कोतवाल को कि जाओ, उसके हवाले कर दिया, बोले कि जाओ ये मोमिन कौन है, कहां से आए हैं और वो क्या चाहते हैं, सब जांच करो और वास्तविकता का
मेरे को पता लगाओ। और बहुत बातें हम सो करी ती पीछे कया सुल्तान, जो ये झूठे नहीं दगा नहीं, मोमिन खास ईमान। फिर क्या बताया, यहां सुंदर साथ बोल रहे किसको, श्री जी को। सुंदर साथ भी श्री जी को पत्र लिखते हैं और श्री जी का पत्र भी, मैंने बोला ना कि इसमें सुंदर साथ का पत्र भी शामिल है। यहां मोमिन बोल रही है चौपाई में, क्या बोले कि हे श्री जी, हमारी बात को स्वीकार भी कर ली थी, लेकिन बाद में जब उसके अंदर एक संशय बैठा, क्या संशय, मैंने अभी पूर्व बताया कि हमारे दुश्मन या शत्रु बनकर या कोई षड्यंत्र रच के तो नहीं आया है ने। फिर सीधी पोलवाद ने बोला कि हे बादशाह, या मोमिन बोल रहे हैं सीजी को कि फिर सीधी पोलाद ने बादशाह को क्या बता दिया कि नहीं, मैंने पूरी जांच की है मोमिनों की, वो तो दीन इस्लाम के सच्चे आशिक है, ये तो दीन इस्लाम के मोमिन है, ये खुदा ताला की सच्ची राह पर चलने वाले मोमिन है, नेक बंदे, खुदा ताला के नेक बंदे है, उसके अंदर कोई धोखाबाजी नहीं है। ऐसा किसने बताया, सीधी पोलाद कोतवाल ने किसको बताया, औरंगजेब बादशाह को। आगे बता, तब चौकी बैठाई थी, ताको दिए उठाय, हवेली का हुक्म हुआ इनो दिए बैठाय। तब हमारी आसपास जो पहरेदार जो चौकी रखी थी तो ये भी उठा ली, क्योंकि हमारे पर विश्वास आ गया कि ये तो खुदा ताला के नेक बंदे है, मोमिन है, उसी के अंदर कोई धोखाबाजी नहीं है। विकार इनके मन के आया था जो गया, अब हम रहे काम सुचेत का भी भया। क्या बताया कि उसके अंदर जो संशय था वो भी दूर हो गया, तो अभी तो हमारा काम बन गया था। ये मोमिन बोल रहे, कौन बोल रहे कि अभी तो हमारा काम बन गया था। इतना नहीं, तीसरी चौपाई में जिन सनंदे समझेगा त्यो समझावे हम, अब हमारे काजी सो मिलाप कर दिया तुम। क्या बताया, तो इसी चौपाई में बड़ा क्यामत नामा के अंदर औरंगजेब बादशाह का एक बार श्री प्राणना जी श्री जी के साथ दिल्ली में कलंदर के तकिए, एक फकीर था उसकी वो गद्दी, मतलब वो स्थान में औरंगजेब बादशाह का एक बार श्री जी के साथ मिलन भी होता है। बड़ा क्यामत नामा की इसमें चौपाई भी बताई कि लागन हिंदू मुसलमान गजनवी महमूद सुल्तान, ढाए हिंदुओं के खाने बुत, दिल में इमाम को ज्यारत। तो कोई छत्रसाल का मिलन भी बताते कि श्री जी के साथ, ये इसको लेकर ये चौपाई है। लेकिन सुंदर साची यहाँ स्पष्टीकरण किया गया कि औरंगजेब बादशाह, ध्यान से, औरंगजेब बादशाह इमाम मेहंदी की राह दिख रहा था, वो कुरान उसने पढ़ के रखा था, वो कुरान का मर्मज्ञ विद्वान था, उसको पता था कि क्यामत के समय इमाम मेहंदी आएंगे, तो इसलिए तो मंदिर को, हिंदुओं के मंदिर को तुड़वा रहे थे और मंदिरों की मूर्तियों को सीढ़िया में जड़ित भी करवा रहे थे, कि उसको पता था कि जो कोई मंदिर या मस्जिद या कोई, सॉरी, मंदिर या गिरजाघर या कोई भी जगह जो इमाम मेहंदी हो गए तो मैं मंदिर तुड़वाऊंगा मूर्तियों को, तो इमाम मेहंदी प्रकट हो गए वहां से। तो वो इमाम मेहंदी की खोज में था, लेकिन उसका तरीका गलत था, उसकी राह गलत थी। तो यहाँ ये प्रमाण दिया, क्योंकि शाकुंडल कभी भी मंदिर नहीं, ये तो हिंदू में तो थी, तो हिंदू के मंदिर वो थोड़ी तुड़वाएंगे छत्रसाल। तो यहाँ चौपाई में प्रमाण भी दिया कि एक बार औरंगजेब बादशाह श्री जी का दर्शन भी करते हैं, एक के दो बार। अब तो हम जाहिर लश्कर है इमाम, थाना थीर कर बैठे एते दिन छाना करते काम। यहाँ मोमिनों ने फिर क्या जवाब दिया कि एते दिन, अभी तो हम छिप छिप कर बादशाह के दरबार में ऐसे संदेश देने के लिए बैठे थे, लेकिन आज तो हमने क्या किया, ये धर्म युद्ध किया, उसी के बाद बादशाह को हमारे पर ईमान भी आ गए और उसी के दरबार में हम खुले हो गए,
मतलब वहाँ हमने थाना थाप दिया, अभी कोई डर की जरूरत नहीं रही है, मतलब हमारे अंदर कोई डर नहीं रहा है, ये डर उठ गया है। सुल्तान की जान में हो ही बैठे जाहिर, अब तो हमको लखे लख किए बाहर, तो अब तो हम सुल्तान के सामने पूरे खुले हो गए, क्योंकि हमारी पूरी वास्तविकता की जानकारी बादशाह को मिल चुकी है और हम पूरी तरह उसके सामने जो भी पूछ रहे हैं वो हम जवाब भी दे रहे हैं। तीस वास्ते हम भी एक ही तरफ होएंगे, तुमको दिल्ली के परवाने खप हो तो भेजेंगे। अब श्री जी क्या जवाब देते हैं कि तीस वास्ते हम भी, इसलिए एकमात्र औरंगजेब की जागनी के संबंध में यहाँ श्री जी ने क्या बोला, तो मैं ऐसा करूँ एकमात्र औरंगजेब बादशाह की जागनी के लिए मैं आगे मोर्चा ढाऊ, मतलब मोर्चा हाथ में लेके और राजाओं को जगाने का संदेश दूँ। जब लो इन चर्चा का लगेगा इन्हें बेशक, ऐसे कागज वो दिलासा लेख भेजे हुकम हक, जब तक बादशाह और उनके दरबारियों को विश्वास ना आए तब तक आपको कैसे रहना है, वहां चर्चा करते रहनी है। किसके साथ, बादशाह के दरबारियों के साथ। इतना नहीं, आपका इतना अच्छा आचरण बना के रखना है कि मेरी गरिमा का आपको सम्मान रखना है। श्री जी कई कई बातों से सुंदर साथ को कैसे सिखापन दे रहे, और आगे भी धामधनी ने बताया कि और बड़े मोहरे मोहबड़ के आए लगे तुम, तीस वास्ते सब साथ को पाँव भरे हक कदम। सुंदर साथ जी तुम बड़े मोहब्बत के मोहड़े, मतलब बड़े बड़े पद पर बैठे अधिकारी लोग के सामने तुम धर्म युद्ध करने के लिए निकले हो, तीस वास्ते सब साथ को पाँव भरे हक कदम, इसलिए आपको क्या करना है, आपका कदम ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। अपना आपा निशंक तुम डारियो सब साथ, तीस वास्ते लाह लियोगे तुम पर हक्के पकड़े कदम। हे साथ जी मैं निश्चित रूप में अपना सर्वस्व धनी की राह में न्योछावर कर दिया है। सुंदर साथ जी को क्या बोला कि सच में सुंदर साथ जी आपने धाम धनी पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है, इसलिए धनी के प्रेम में आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन आपको कोई जाहिरी मुसलमानों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दज्जाल के घाव तुमको मुंह सिर पर लगे, आपन युद्ध करते हते जो तुम युद्ध किए हैं। तुमको दज्जाल के घाव सिर मुंह पर लगे, मतलब सीधी पोलाद ने तुमको मार मारा, तो यहां क्या बताया कि दज्जाल कौन है, जो सीधी पोलाद के अंदर अज्ञानता रूपी राक्षस, मन रूपी जो राक्षस बैठा था, उसने कोई वास्तविकता की जांच भी नहीं की, सत्य को जाना भी नहीं, और रात को आपको जो कोड़े से मार मारा, तो यहाँ श्री जी बारह सुंदर सात को क्या सिखापन दे रहे कि तुमने सिर और मुंह पर ये धर्म युद्ध में मार भी सहन किया है। सो तो तुम किया अब खबर राखियो तुम, इन मोर्चे खबर ये लिखते हम। आप लोगों ने जो सरा तोरा के सामने युद्ध किया है उसकी एक घटनाक्रम की जानकारी आप बस सब जगह सूचना पत्र जो और सुंदर सात गांव ग्राम नगर नगर है वहां को भेज दीजिए, क्योंकि उसको क्या बताना है कि हे सुंदर साथ जी हमने सिर्फ कह के नहीं, हमने सिर्फ कह के नहीं, हमने करके दिखाया है। क्या औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाके ये धर्म युद्ध करके, इतना नहीं औरंगजेब बादशाह तक जाके ये संदेश दिया है। ऐसे पत्र एक एक स्थान में आप लिखकर भेज दो, जैसे तुम आप हो तैसे फुरमाया धाम, तैसे भारी हो जियो तैसे की जो काम, जैसे तुम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो आपकी गरिमा जैसी धर्म ग्रंथों में
कही गई है, वैसे ही आप प्रत्यक्ष रूप में अपनी गरिमा के अनुसार ही वहाँ रहना है, वैसा ही आपका बल दिखाना है। एते जैसा कलमों में है तैसा ही भरियो पाय, ऐसे दिन तुम मीने आकार पकड़ के बैठाय। सुंदर सा जी, तुम्हारी जैसे धर्म ग्रंथों में महिमा लिखी गई है, तो ऐसे ही आप अपनी गरिमा के अनुसार आपको आगे कदम बढ़ाना है। सुंदर सा जी, यहाँ श्री जी एक एक चौपाई में क्या सिखापन दे रहे हैं मोमिनों को। आज 400 साल पहले जो घटना घटित हुई, वो घटनाक्रम के माध्यम से हम सुंदर साथ को भी आज के प्रसंग के माध्यम से अभी क्या सिखापन दे रहे हैं। आपको कदाचित आज सुन के ऐसा भी लगता होगा कि एक एक चौपाई में राजी ये जो सिखापन के माध्यम से, तभी तो सुंदर साथ को ये सिखाया, आज हमको भी ये बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, आज संसार के ऐसे भी कई मतपंथ चल रहे हैं, वहाँ आपको भी संदेश देने के लिए जाना है, तो वहाँ कैसे आपका कदम आपको आगे बढ़ाना है और आपकी गरिमा के अनुसार। और श्री जी आगे बोलेंगे कि मेरी भी जो गरिमा है उसका भी आपको सम्मान रखना है, मेरी गरिमा को आपको कलंकित नहीं करना है। तो ये दोनों बात को लेकर श्री जी अभी हमको समझा रहे हैं। अब तुम एक दूजे से भारी उजियो तुम, अब अपने गुण बस कीजियो, बड़े मोहरे को लगे हो तुम। आप सुंदर साथ एक दूसरे से, मतलब गरिमामय व्यवहार करने आ, कितना कि आप एकजुट बनकर रहना है। आपके बीच में आपस में देखो कई बार झगड़ा ना हो जाए, आपस में आप एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार बना के रखना है। तीस वास्ते नया जो आवेगा, तुम्हारी वाणी चाल देख के तीस वास्ते भारी होइयो, चाल भारी दिखाई हो, ये तो आपकी रहनी, आपकी बोलचाल, आपका व्यवहार देख के कोई जो नया जुड़ेगा ने, तो वो भी आपके आचरण और आपके व्यवहार के आधार पर ही जुड़ेगा। तो यहाँ श्री जी ने क्या बताया कि वहाँ औरंगजेब बादशाह के दरबार में आपको मन वचन और कर्म से सत्य का ही आचरण करना है। इतना नहीं, तुम बड़ी बुद्ध के खाविंद, क्या बहुत दिखाए तुम, अजान को लिखते तिस वास्ते बेर बेर कहिया लिखे हम। या धामधनी बार बार क्या कह रहे कि तुम तो बड़ी बुद्ध के सागर हो, वचिक क्षीण हो, चतुर हो, होशियार हो, तुमको मैं बार बार क्या लिखूं, तुमको मैं बार बार क्या लिखूं। कोई अल्पज्ञ व्यक्ति होती, कोई अनजान व्यक्ति होगी जो चतुर नहीं होती तो उसको लिखने की जरूरत पड़ती, तुम तो चतुर हो, वचिक क्षीण हो, होशियार हो, तो मैं बार बार क्या लिखूं। चार दिन आपन को पत्री से होए मिलाप, आकार मिलाप ना होवी तिस वास्ते जानो आप। तो हे सिंदर साजी, चार दिन मतलब थोड़े दिनों के लिए, चार पांच दिन मतलब थोड़े दिनों के लिए मैं आपसे अलग हो रहा हूं। किसने बताया? ये श्री जी ने। फिर मैं आपसे मिलूंगा, इतना नहीं, भले हम शरीर से अलग हो रहे लेकिन राजी क्या बता रहे कि हे मोमिन सुंदर साह जी, तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा दोनों का दिल तो जुड़ा ही हुआ है, दोनों का दिल तो जुड़ा ही हुआ है, भले हम वजूद से दूर हो रहे, आप अंदर से दुखी ना हो, विवश ना हो, आ तो ये तो आप सब बात जानते हो। दोई सुकनति स्वास्थ्य चाप के लिखे कलाम, हमको चार दिन जाना पड़े वास्ते यही काम। तो सुंदर सा जी, भविष्य में होने वाली जागनी कार्य को ध्यान में रखते हुए मेरे को तीन चार दिन के लिए आगे जाना, तीन चार मतलब थोड़े समय के लिए और राजाओं को जगाने के लिए मेरे को आगे जाना है, तो आप मेरे को आज्ञा दीजिए। तो ऐसे सांत्वना देते हुए सिखापन के रूप में धामधनी
ये पत्री के माध्यम से बता रहे। सो तो कारज कारण जान परत आगे, ना तो हमारा जाना न होए, ये जानो तुम्हें। सुंदर सा जी ये भी आप जान लो कि कोई विशेष कारण है, मतलब आगे मैं जा रहा हूं तो ये भी मूल स्वरूप का कोई कारण कारज है, मतलब कोई विशेष कारण है इसलिए मैं आगे जा रहा हूं। तुम पाते लिखियो सब साथ ऊपर और नौतनपुरी तथा खंभालिए पर। बीच में श्री जी ने थोड़ी चौपाई में क्या बताया कि तुम खंभालिए नौतनपुरी और जगह सिद्धपुर सब जगह तुम सुंदर साथ को पत्री लिखो। इतना नहीं, पोरबंदर मंडई ठठानगर खंभात अहमदाबाद ये सब सुंदर साथ को आप पत्रों से विदित करो, और भरूच सिद्धपुर तथा उदयपुर मेरते सब साथ ऊपर पत्री लिखते रहियो। ये इतना नहीं, सब सुंदर साथ कौन कौन और भी आगर बताया, उदयपुर सिद्धपुर सब सुंदर साथ को पत्री में अवश्य लिख के बताते रहना। बहुत खुशहाल होए के वस्त्र का दिखायो बोझ, मुंह मतीसा इमाम बड़ा बोझ दिखायो खोज। और जहां भी पत्र लिखो ने वहां क्या बताना, मुहम्मद सले अलैहि वसलम, मतलब बसरी सूरत और मलकी सूरत सतगुरु धनी देवचंद्र जी और हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी। और इतना नहीं, और आत्माओं की खोज करते करते उसने भी क्या उत्तरदायित्व पूरा किया, और आज आपका भी क्या कर्तव्य बनता है, और कर्तव्य नहीं अपना आपका कर्तव्य निभाने के लिए आज आप जागने की राह पर, सच्चे निजानंद की राह पर आप चल पड़े हो, वैसा वाला आप पत्र एक लिखकर ये सब स्थानों में आप पत्र के माध्यम से सूचित करो। सबको वस्त्र दिखाए के खंडनी लिखियो तुम, और गल गलते रोते जिन लिखो कहो चोखा लिखते हम। पत्र में सुंदर साजी तुम जब पहचान लिखो, क्या पहचान, कोई रूढ़िवादी लोग है, कोई अपनी मानसिक ऐसी मानसिकता रखे हुए बैठे हैं कि तुमने हिंदू वेशभूषा उतार कर मुस्लिम वेशभूषा धारण की और औरंगजेब बादशाह के दरबार में प्रवेश किया, तो कोई हिंदू तुमको कुछ कहे तो वहां रोते बिलकते या गिड़गिड़ाते पत्र लिखना नहीं है, आप हंसते हंसते चोखा जवाब, मुंह पर साफ जवाब दे दीजियो। जो कोई तुमको इत देवे दुख, तीस का सिरम भान के उत देवे सुख। कदाचित मान लो कोई तुमको पत्र के द्वारा, ध्यान से, कोई तुमको पत्र के द्वारा ऐसा कुछ लिखे या कोई और सुंदर साथ आपको आपके सामने घृणा करे या अभिमान रखे या आपको कोई दुख दे, तो मेरे को पत्र के माध्यम से, श्री जी ने क्या बोला, मेरे को पत्र के माध्यम से बता देना, तो मैं इन सुंदर साथ का ज्ञान के माध्यम से, मेरे अंदर की वाणी के माध्यम से उसका अभिमान दूर कर दूंगा। देखो सुंदर साथ का मनोबल दृढ़ करने के लिए शिखापन राज जी क्या क्या प्रयास करे शिखापन के रूप में, अथवा कोई साथ में उल्टा होए देवे कसोट, सो तुम हमको लिखियो तई बांध मंगाए करे छोट। इतना नहीं, कोई सुंदर साथ उल्टी राह पर चल के तुमको कोई कष्ट दे तो ये भी, क्योंकि कर्मकांडी लोग मानसिकता से बंधे हुए लोग, आपको कोई कष्ट दे तो ये भी मेरे को आपको बता देना है, मैं उन लोगों का अभिमान जो भी गर्व है ये मैं दूर करूंगा। मुसलमान सो हम तो डरे जो देवचंद्र जी परखी न होए। इस चौपाई के माध्यम से क्या बताया, इन जाहिरी मुसलमानों से हम तो डरे जो हमारी, ध्यान से, जो हमारी आत्माएं और जाति में न आई हो। तो मैं एक बात और बताऊ, सुंदर साजी मूल मिलावे से बात बताऊ, ठीक है। जब हम परातम तन की मूल मिलावे के अंदर जब सब ब्रह्मात्माओं के बीच में जब आपस में
जो बातें चल रही थी कि मैं भूलू तो तू मुझे जगाना, तू भूले तो मैं तुरंत देऊ जगाई। उसी समय राजजी अंदर से मंद मंद मुस्कुरा रहे, हंस रहे कि मैं देखता हूं तुम खेल में जा रही हो, कैसे एक साथ रहोगी वहां, खेल ही ऐसा अंधेर का है, ऐसा कठिन खेल है। तो उसी समय राजजी ने, जो हमारी तीन बैठक हुई, अंतिम बैठक मूल मिलावे में हुई, तब राजजी ने खिलवत ग्रंथ के 11वां नंबर के प्रकरण में बताया कि सुंदर साची मैं धर्म ग्रंथ भेजूंगा, उसी के अंदर तुम्हारी साक्षियां लिखूंगा, तुम पढ़ोगे लेकिन मेरी एक बात को नहीं मानोगे, इतना नहीं मेरी रूहल्ला आएगी, मेरी श्यामा जी आएगी, वो समझाएगी धर्म शास्त्रों के वचनों की साक्षी देकर, रो रो कर, इतना नहीं लल लर कर, कितना कोई खंडनी के वचन कहकर तो भी आप नहीं मानोगी, आप क्या कहोगी, क्या कहोगी कि हम तो रब बाप दादो का जी, पानी पत्थर आग पूजते रब बाप दादो का जी, हम परंपरा में जो हमारे पूर्वजों ने जो पानी पत्थर अग्नि को पूजा है वही हमारे परमेश्वर है, वही हमारे भगवान है, हम आप तो कौन हो, ये हमारे परमात्मा नहीं, आप ऐसा बोलोगी। इतना नहीं राजजी ने और आगे बताया था, क्या क्या आप अलग अलग भेष में, अलग अलग बोली में, अलग अलग जाति में जाओगी, अलग अलग देश में जाओगी, वहां मेरे एक को भूल के अनेक पति बनाओगी, मतलब अनेकों को पति के रूप में मानोगी। तो यहां इस चौपाई के माध्यम से क्या बताया धामधनी ने कि हमारी आत्माएं सिर्फ हिंदू में नहीं आई है, परम धाम की आत्माएं सिर्फ हिंदू में नहीं आई है, वो तो सब जाति में आई है, अलग अलग वेशभूषा धारण की है, अलग अलग देश में, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग स्थान पर उतरी है। तो यहां ये बताया कि तब सतगुरु धनी देवचंद्र जी जब चर्चा कर रहे हैं तो आगे से जो खोजी बाई निकली, वो विधवा मुसलमान विधवा स्त्री थी, तो उसको परखा ने परमधाम के आत्मा के रूप में कि हे खोजी बाई, तू तो परमधाम की रही बाई की वासना है। तो यहां क्या बताया श्री जी ने कि हमारी आत्मा जो और जाति में ना उतरी हो, मतलब तो डरना है, हमारी आत्मा तो सब जाति में उतरी है। जात भेष जो तुम रखिया ताकुसी देवचंद्र जी भानिया सिर, सो तो ना सकते जाहिर कर अब समझे फिर के बहतर। जात भेष का तो तभी भेदभाव मिटा दिया किसने, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने, कोई नात जात का, कोई वेशभूषा का कोई भेदभाव नहीं रखा है। तो हे सुंदर साजी, तुम भी इस जाति के वेशभूषा के भेदभाव में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये पूरी गोविंद पटेल की एक भूत की प्रेत की नगरी है, ये 14 तबक मतलब 14 लोक के ये जीव पूरे सब कर्मकांडी और संसार की परंपरा में चलने वाले हैं। तो यहां सो तो ना सकते जाहिर कर अब समझे फिर के बेहतर। तो ये लोग कुरान की हकीकत और मार्फत को न समझने के कारण ये ऊपर का मायना लेके एक कर्म कांड शरीयत को चलाने वाले जाहिरी मुसलमान ने ये कलमा ये संदेश को स्वीकार नहीं किया। तो हम राज की आज्ञा से जाहिर किए 14 तबक, विकार सारे विश्व के मेट दे सब सक। तो यहाँ शिव जी के हुक्म से ये 14 तबक में ब्रह्मांड में क्यामत और इमाम मेहंदी जाहिर हो चुके हैं, ये संदेश को हमने जाहिर किया। ऐसी पाती लिख के उठाई खड़े करो तुम, चार बचन जिन भांत के तैसे कहाँ धरो हम, तैसे इतिन ऊपर लिख के भेजो तुम, जिनको तैसा घड़ता ताको पाती लिखो सब कुम। तो हे सुंदर साथ जी, तुम जो जो सुंदर साथ है
उसको उसी के अनुसार आप पत्र के माध्यम से ये संदेश भिजवाओ। इतना नहीं, आगे बताया कि तैसे बिहारी जी को, फिर यहां क्या लिखा, तैसे बिहारी जी को और नाग जी अक्षय नौतनपुरी भेजियो, जवाब आवत क्यों कर सही। एक पत्र नौतनपुरी बिहारी जी महाराज और नाग जी और अक्षय को भी पत्र लिख के भेजो और उसके पत्र की वापसी पत्र की आप प्रतीक्षा करो, इंतजार करो कि उसका क्या उत्तर आता है। देखे बिहारी जी क्या लिखते, ये जवाब ले वो सीताब, ये पत्रिया लिख के दुरुस्त करो अब किताब। देखे बिहारी जी महाराज जो आपने पत्र लिखा है उसका उत्तर क्या लिखते हैं, और शीघ्र अति उत्तर लाने के लिए आप प्रतीक्षा करो। और जो रूढ़िवादी लोगों की क्या मानसिकता है ये भी आपको उससे पता लग जाएगा। अब तो तुम केसरी सिंह हो, क्या बताया, अब तो तुम केसरी सिंह हो, ऊपर पहनी पाखर काहू मुला जा जिन करो, काशिद को भेजो आखर। हे सुंदर साजी, तुम तो केसरी सिंह हो, एक कल क्या बताया था कि तुम बकरी जैसे विनम्रता की मूर्ति हो, और आज क्या बताया कि तुम केसरी सिर हो और वीर पुरुष सारथी हो, मतलब तुम्हारे अंदर वीरता के गुण कुट कुट कर भरे हो। और कल हमने पत्री में देखा ने, तुम मेरे प्राणों के प्रीतम हो, प्राणों के आधार हो, और तुम वीर हो, तुमको पीछे हट करनी नहीं है। यहाँ क्या आगे, काहू मुलाजा जिन करो। हे सुंदर साथ जी, जैसे एक हाथी के ऊपर, जैसे एक हाथी के ऊपर एक लोहे का जो कवच रखा होता है, पहनाया होता है पाखर, इसी तरह तुम्हारे अंदर इश्क और ईमान का कवच है, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। इन रूढ़िवादी लोग से लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। काशिद तहां लो भेजियो, उनके दिल की लियाओ खबर, कोई तुमसे आप छिपावी सो मालूम होवे इन पर। काशिद तहां लो भेजियो, दिल्ली के बाहर रहने वाले सुंदर साथ के पत्र तुम तब तक भेजते रहियो, कब तक, जब तक उन दिलों की वास्तविकता बाहर ना आ जाए। जब हम कोई किसी को बार बार पत्र भेजते रहेंगे ने, तब एक बार तो दिल की वास्तविकता बाहर आ ही जाएगी। तो यहाँ श्री जी ने क्या बोला कि तुम बार बार पत्र भेजते रहियो, तो क्या होगा, उसका वापस जो जवाब आएगा ने, तो एक दिन वो दिल की पवित्रता जाहिर कर देंगे। जैसा तेनी तैसा लिखियो तुम कलाम, जो आगे अगिन के मुंह पिघलते तमाम। जैसे सुंदर सा जिस भाव का है उन्हीं उन्हीं के अनुसार ही आप पत्र लिख के भेजियो। और आगे सुंदर सा जी, श्री जी क्या सिखापन दे रहे कि दयाराम के भाइयों ने आगे आए दरबार, बाते इन भाते इत करी ताये हम रुपया देवे 4000। देखो ये गोविंद पटेल की, ये भूत की प्रेत नगरी कैसी है, यहाँ सब अपनी लाज, लोक लाज, मर्यादा और स्वार्थ के पर आधारित यहाँ रिश्ते हैं। लेकिन सबसे पहले सब व्यक्ति क्या सोचता है कि हमारी मान, हमारा प्रतिष्ठा, हमारी लोक, हमारी लाज मर्यादा जो भी है वो पहले अपनी ओर सोचता है। तो यहाँ दयाराम के भाइयों ने, मतलब दयाराम भाई जो 12 मोमिन वाले थे, 12 मोमिन के अंदर के जो हमारे दयाराम भाई सुंदर साथ थे, उन भाइयों ने क्या बात फैला दी कि भाई हमारे दयाराम को कोई मार दे तो उसको हम 4000 रुपया देंगे। देखो कैसा संसार है, अपने सगे भाई को मारने के लिए भी अंदर कोई दया नहीं है, और इसके बदले कितने रुपये बोले, 4000 रुपये देंगे।
और आगे की चौपाई में जो इनको मार डाली ऐसी बात सुनाई काना तो हमारी शर्म जाएगी, जो होएंगे मुसलमान उसको क्या पड़ी थी, मतलब हमारी लोक लाज मर्यादा, क्योंकि उसने मुस्लिम वेशभूषा धारण करके कहाँ पहुँचे, औरंगजेब बादशाह के दरबार में, तो हमारी हिंदू की लोक लाज मर्यादा ही क्या रही, उसने तो धूल में मिला दी, मिट्टी में मिला दी, तो उनको तो मार देना ही ठीक है। तीस वास्ते यहाँ इनको गोविंद भेड़े की निस्बत मार डारत भाई को पैसे दे के इत, इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ सब माया के वसीभूत है, कहाँ के वसीभूत है, सब माया के वसीभूत है, अपने सगे भाई को, अपने सगे भाई को भी मरवा देने, मरवाने के लिए उसके अंदर कोई दया नहीं है। ऐसो वो स्वार्थी गोविंद भेड़ा चौदे तबक ये वचन दृष्टांत वास्ते लिखा बेशक, इसलिए मैंने सुंदर साथ जी यहाँ गोविंद भेड़ा की नगरी का दृष्टांत दिया है कि दयाराम के भाई के प्रसंग के माध्यम से ये गोविंद भेड़ा, मतलब ये संसार एक जो मायावी नगरी है वो कैसी है। तुम जान सिरोमन हो भूले गो न तुम, सब बात का बोझ जो उठाए के लीजियो कुम। हे सुंदर साथ जी तुम बार बार राजी क्या लिख रहे कि तुम सिरोमन हो, चतुर हो, तो हमको तुमको हम बार बार क्या लिखे, तुमको तो मेरी बातों पर पूर्ण विश्वास ही है। तुम जुदे इनसे जिन पड़ो ना तो चेहरा होए तुम, पीछे कहोगे ना कहिया तुम समझो इनसे, तो तुम शहरियत भी राह पर हे मुस्लिम लोगों के सामने हे सुंदर साजी तुम गए हो, देखो वहां थोड़ा भी आचरण आप ऐसे करोगे ना तो हमारी बदनामी होगी, मतलब मेरा सम्मान मेरी गरिमा आपको रखनी है ना, तो आप ऐसे ही आचरण वहां करना है। जब लाग देखूंगा तब मैं लेऊंगी बुलाई, या बुलाई ले वो मुझको बैठो साथ मिलाई। वो सुंदर साथ जी मैं जब उचित अवसर देखूंगा तो मैं आपको यहाँ, सुंदर साथ जी क्या कह रहे कि मैं श्री जी आपको यहाँ बुला लेंगे, और आपको भी जरूरत पड़े तो आप हमको पत्र के माध्यम से सूचित करते रहिए। बिना मसलत जीन करो कोई काम, सब प्रियाने कीजियो देख अपना धाम। हे सुंदर साथ जी आप बिना मसलत, मतलब आपस में विचार विमर्श किए बिना कोई कदम उठाना नहीं है, क्योंकि ये पोहरा बहुत कठिन है, बहुत बहुत कठोर पोहना है, तो तुम अपने आपस में एक बार विचार विमर्श आदान प्रदान करके बातों का आगे बढ़ना है। हम तुम्हारी पार्टी का करेंगे विचार, जब तुम जवाब देखोगे तब हम चले बाहर। यहाँ श्री जी ने क्या बोला कि आप लोगों के जब पत्र आएंगे तभी मैं बाहर निकलने के लिए विचार करूँगा, आप लोगों के पत्र के उत्तर लिखेंगे मुझे जाने की स्वीकृति देंगे तब मैं आगे जाऊँगा। हंस खोल हंस खेल हरख के बांधोगे कमर, तुम लीजो बोझ उठाए के रहो दिल में दृढ़ कर। मुझे विश्वास है कि तुम अंदर से जरा भी दुख नहीं लगाओगे, तुम हंस मिलकर सब साथ में प्रसन्नता पूर्वक इस जागनी की राह पर आगे बढ़ोगे। जो कदी आकार से मैं जुदा रहो दो दिन, अंतर्गत दृष्टांत हुआ इल्हाम रोशन। सुंदर साहब जी संभावना है कि कदाचित मैं आपके आकार मतलब वजूद से दो दिन के लिए दूर रहूंगा, लेकिन राजी मुझे बाहर जाने की अभी प्रेरित कर रहे हैं, तो मूल स्वरूप की आदेश से मेरे को बाहर जाना ही पड़ेगा। तीस वास्ते भीम भाई की खबर पूछियो उदयपुर, हजू भी न समझिया तिनका कहाँ करो क्योंकर हम। तीस वास्ते भीम भाई, यहाँ सुंदर सर जी वो वाला भीम भाई नहीं है जो 12 मोमिनों में है, वो तो अभी कैद में है, ठीक है, यहाँ दूसरा भीम भाई है। उसकी क्या बताया श्री जी ने कि भीम भाई को भी एक पत्र लिखकर समाचार पूछो, क्योंकि वो भी माया में डूबे हुए है। तीस वास्ते यह भीम कोई
तिस वास्ते ये भोम है आसी काहे ठोर, कोई न होवे जागृत बिना हुक्म कोई और। या धाम धनी ने क्या बताया सुंदर साथ जी, ये हाँसी का पूरा ठोर है, मतलब ये ठिकाना है, या हाँसी के बिना कोई नहीं रह पाए, मतलब कोई नहीं बचेगा। धाम धनी ने बताया कि क्या बताया, या यार वो या सिरदार, हाँसी बिना कोई ना बचे बचिया, या यार हो या सिरदार, या हाँसी के बिना कोई नहीं बचा है। तो ये बोम कैसी है, हाँसी की है। तो इसी के अंदर सुंदर साथ जो तुमको विचार करके आके कदम बढ़ाना है। अनेक बात के मोहजल, नए नए उठत तरंग, इनमें जो सावचेत कोई के धनी का अंग। तो यहाँ ये अथा मोह सागर, जो पाताल से लेकर नारायण तक का जो अथा मोह सागर है भरा है, उसमें बार बार मोह रूपी लहरें उठ रही है। तो उसी के अंदर सुंदर सा जी तुमको साउचेत होके रहना है। मेरे ताई जो तू इन समय लिया है मोल तुम, तिस वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी होई न जुदी आत्म। हे सुंदर साथ जी, यहाँ क्या बताया धाम धनी ने, हे सुंदर साथ जी मेरे प्राण आधार, सुंदर साथ जी आपने अपने समर्पण से, आपने आपका त्याग, आपका समर्पण, आपकी कुर्बानी से मेरा मोल जो लिया, मोल मतलब अर्थात आपके प्रेम के मैं अधीन हो चुका हूँ, क्योंकि आपने जो इस धर्म युद्ध में, इस धर्म की राह पर चल के आपका कितना बड़ा समर्पण है, कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा तप है, कितनी बड़ी कुर्बानी है, तो मैं आपके अधीन हो गया, मतलब आपके बस हो गया, आपके प्रेम के मैं अधीन हो गया। इतना नहीं, आपकी आत्मा मेरे से एक पल अलग नहीं होगी। और आगे क्या बताया, यहाँ की हकीकत भाई शेख बदल कहेंगे, ताको सही जानियो सुनियो कानों से। हे सुंदर साथ जी, यहाँ जो जो हकीकत मैंने पत्र के माध्यम से लिखी है, वो आपको वहाँ आके शेख बदल भाई, कहाँ दिल्ली में आके शेख बदल भाई आपके पास आ रहे, और यहाँ की वास्तविकता पूर्ण रूप से बताएंगे, और आप उन वास्तविकता को अपने कानों से सुनकर पूर्ण रूप से सत्य मानना। शेख बदल आए पीछे हमको बड़ो भयो सुख, हम तुमको मिलेंगे तब हंस के माने दुख। जब शेख बदल मेरे पास आए तो मुझे भी, यहाँ श्री जी ने क्या बोला, मुझे भी आपका समाचार सुन के बहुत ही सुख हुआ। और हम जब एक दिन ऐसा आएगा क्या, जब हम पन्ना में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, पन्ना में, तब साथ सब मिल के इतना आनंद मंगल करेंगे, इतना सुख में डूबेंगे। तो यहाँ श्री जी पूर्व सब सुख सुंदर साथ को सांत्वना देते हुए सिखापन दे रहे, हमको बड़ा सुख रखे सब सुख में रहियो कुम्मा। दिन जागनी के आए नजीक, शाबाश लाल भाई तुम। यहाँ श्री जी और क्या बता रहे, के सुंदर साथ जी जागनी की इस वर्तमान स्थिति का समय बहुत निकट आ गया है, आप सब सुंदर सा आनंद मंगल में रहिए। अब आत्म जागृति का समय बहुत दूर नहीं है, निकट आ गया है, क्योंकि श्री जी अब दिल्ली तो पहुंच गए हैं, दिल्ली से आगे अब कल, आज उदयपुर तो पहुंच जाएंगे, कल मंदसौर, और इससे आगे औरंगाबाद रामनगर से होते हुए पन्ना पहुंचेंगे। तो यहाँ श्री जी ने पत्री के माध्यम से बता दिया कि हे सुंदर साथ जी अब आत्म जागृति का समय निकट आ गया, और लालबाई तुम्हारी समर्पण भावना, लालबाई कौन थी, लालदास जी की पत्नी, तो लालबाई तुम्हारी समर्पण भावना को देखते हुए मैं धन्य धन्य हूं। मतलब श्री जी देखो सुंदर साथ की कैसी सिफत गा रहे हैं। मैं एक बात बताऊं यहां, क्योंकि आज मैंने पत्री की
चौपाइयों लेकर सुंदरसा जी इसलिए वर्णन किया कि दो तीन दिन में हमारा श्री जी और शाकुंडल का मिलन भी करवाना है और वैसे धीरे धीरे चले गए तो मंजिल भी पूरी नहीं होगी। और इतना भी नहीं, जो कल की पत्री में राज जी ने सिखापन दी, हमने एक एक चौपाई को विस्तार से समझा है, तो आज मैंने सोचा कि ये छोटी पत्री को कोई कोई चौपाइयाँ लेकर जो धामधनी ने विशेष सिखापन दी है तो उसी के आधार पर हम आगे जल्दी से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ सुंदरसा जी जो इस चौपाई में लालदासी की बात, पत्नी लालबाई की बात बताई, लालबाई का क्या समर्पण है और आगे भी लालबाई की हम अष्टपहर में क्या लीला सुनेंगे, उसका क्या त्याग है, क्या समर्पण है, क्या कुर्बानी है। तो यहाँ राज जी स्वयं सुंदर सात को धन्य धन्य कहते हैं। तुम सुर धीर पना किया आगे धरे कदम, अब शेख बदल आए सुख पावे तुम्हारी आत्मा। हे सुंदर सात जी, आपने जागनी कार्य में जिनकी मतलब जिसकी बराबरी की है, किसके साथ, उन लोगों के साथ, और वीरता का जो आपका परिचय दिया है, तो उन सुंदर सात के आदर्श के रूप में मतलब एक मार्गदर्शन के रूप में जागनी का जो नेतृत्व किया है, तो अब सब सुंदर सात को राज जी क्या बता रहे कि तुमने सब सुंदर सात का, कौन सुंदर सात, जो पीछे 12,000 सुंदर सात उस राह पर चलेंगे, तो ये जो 12 मोमिन है वो हमारे एक मार्गदर्शक, एक हिदायत के रूप में है। तो यहाँ राज जी ने क्या बताया कि तुम ने सबका नेतृत्व किया है, तो ये सब की शिखापन के रूप में मैं शेख बदल भाई द्वारा जो एक पत्र में दे रहा हूँ, निश्चित रूप से आप सुनकर अधिक सुख होगा। सुख समाधान आनंद की ये रहियो लिखते पाती, सब साथ को प्रणाम लालबाई को कहती। हे सुंदर सा जी, आप निसंकोच होकर क्या बताया कि हे सुंदर सा जी, आप निसंकोच होकर हृदय में सुख और आत्मा के अंदर आनंद भर लीजिए। ये सुख समाधान की मैंने जो आपको पत्री लिखती है और आप भी आपने हृदय में आनंद भरते हुए आप भी सुख समाधान की और वहाँ के जो भी समाचार है आप पत्री लिखते रहिए। और इतना नहीं, यहाँ अंतिम इंद्रावती की आत्मा ने हम सब सुंदर सात को भी प्रणाम किया और अंतिम लाल भाई को भी प्रणाम किया कि क्या बताया कि सब सुंदर सात सहित लाल भाई को मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। महामती कहे मोमिनो ये पाती की हकीकत, अब मुकद्दमा कहो फरदा रोज क्या मत। महामती कहे ये मोमिनो, महामती जी क्या कहते कि सुंदर सात जी, श्री जी और सुंदर सात के बीच होने वाले पत्रों के जो आदान प्रदान किया, कोने सुंदर सात ने भी पत्र लिखे और श्री जी ने भी बड़ी पत्री और छोटी पत्री के माध्यम से जो शिखापन दिए हुए जो एक पत्र का आदान प्रदान हुआ, और 11वीं और 12वीं सदी में जो क्यामत लिखी थी कि 10वीं ईसा 11वीं इमाम 12वीं सदी फजर तमाम, ये लिखिया बीच सिपारे आम जाको सिपारा तिस्मा नाम। तो यहाँ ये भी बताया कि 11वीं और 12वीं सदी में जो कल का फरदा रोज मतलब मम्म साहब जब गए तब बोले थे कि मेरे जाने के बाद कल क्यामत होगी, फरदा रोज मतलब कल का दिन, कल का मतलब खुदा का दिन एक, यहाँ के दुनिया के साल 1000, खुदा की रात एक, दुनिया के साल 100, तो ऐसे 1100 साल के बाद जो क्यामत का समय लिखा था और अखंड मुक्ति देने वाला ज्ञान का जो अवतरण होने का लिखा था, तो ऐसे ये दोनों समय, ये जो दोनों बातें लिखी थी ये समय भी आ गया। और सुंदर साथ ने जो अज्ञानता के सामने और सरातोरा के सामने जो धर्म युद्ध छेड़ा है, तो जो लिखा था
वो इस समय के अनुसार ही हुआ। ये धामधनी ने इस पत्री के माध्यम से हम सबको सूचित किया, बताया। तो इतना कहकर सुंदरसा जी इस पत्री को हमने पूर्ण किया और आगे उदयपुर के प्रसंग की ओर हम चले। तो धामधनी ने बड़ी पत्री और छोटी पत्री के माध्यम से सुंदर साथ को एकजुट बन रहकर बन के रहना और मनोबल दृढ़ बना के रहना और आगे जागने के कार्य अभी बहुत से बाकी है। तो जो आपके अंदर ये एकता और संगठन नहीं बने रहेगा, तो ये जो गोविंद पटेल की भूत की जो ये संसार की जो प्रेत नगरी है, वो इसी के अंदर संसार के अन्य मत पंथों और संसार के जो अन्य लोग है वो कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ये सब बातों से। और इतना नहीं, यहाँ औरंगजेब बादशाह और उनके दरबारी लोगों को भी माध्यम बनाकर राजी ने इब्लिस और अजाजिल की बात को लेकर भी हम सब बातों को लेकर कैसे कैसे शिक्षापन दी, कैसे समझाया। और उसके आगे श्री जी दिल्ली छोड़कर उदयपुर राजस्थान पहुँचते हैं, तो हम उदयपुर की चौपाई को लेकर आगे बढ़े। कामा पहाड़ी से होया आए बीच आमेर, दिन एक दोई रह के पीछे आए सांगा नेर। यहाँ श्री जी कामा पहाड़ी से चलकर, कहाँ से, कामा पहाड़ी से चलकर जब राजस्थान आमेर में आए और आमेर से आमेर के अंदर दो तीन दिन रहकर फिर श्री जी पुनः सांगानेर आए। आमेर में दो तीन दिन रहकर फिर सांगानेर क्यों आए, तो यहां धामधनी इस चौपाई के माध्यम से आगे बता रहे कि श्री जी जब कामा पहाड़ी से आमेर आए तो वहां आमेर का राजा तब विष्णु सिंह जी था। कौन था, कछवाहा वंशज वंशी जो विष्णु सिंह जी राजा थे। श्री जी के अंदर एक ही इच्छा थी कि आगे राणा हो, राजा हो और पातशाहों को जगाओ। तो श्री जी ने इन सब को, औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए, उसी तक संदेश पहुंचाने के लिए जो राजाओं राणाओं को पत्र के माध्यम से क्या सूचित किया कि हे राजा राणाओं, हे राजाओं, हे विष्णु सिंह जी, तुम जागो और औरंगजेब बादशाह के साथ युद्ध करो। तब विष्णु सिंह जी का राज्य आमेर में था, वैसे राजधानी तो जयपुर थी लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए वो आमेर के किले में रहते थे। तो वहां से पत्र विष्णु सिंह जी को भेजा, विष्णु सिंह जी को बोला कि तुम उन औरंगजेब बादशाह के सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन विष्णु सिंह जी ने इस पत्र को अस्वीकार किया, उसने इस पत्र को स्वीकार नहीं किया, इसलिए सिंह जी आमेर में दो तीन दिन रहकर फिर सांगा नेर आए थे मुकुंददास उदयपुर। उसी समय मुकुंददास सिंह कहां थे, उदयपुर में जागनी प्रचार का वो काम कर रहे थे और उदयपुर से वो सांगानेर आके वहां भी जागनी के संदेश को दे रहे थे। और वहां उसको पता चला, मालूम हुआ कि श्री जी ने हमारे मोमिनों के माध्यम से औरंगजेब बादशाह तक ये क्यामत संबंधी, सात निशान संबंधी, इमाम मेदी संबंधी कोई संदेश भेजवाया है और वो मोमिनों पर कसाला भी पड़ा है। ये बात उसने कहाँ सुनी, सांगानेर। तब आगे जाके बताया कि तब वहां से चले आए, पहुंचे आमेर
वहाँ श्री जी साहेब जी खबर सुनी फिर आए सांगानेर। तब मुकुंदासी वहाँ चल के आमेर आए और आमेर में पता चला कि श्री जी आमेर से सांगानेर चले गए हैं। तो फिर मुकुंदासी ने भी क्या किया, वो आमेर से सांगानेर की ओर चल दिए। जब वो आमेर से सांगानेर की ओर चल दिए तो रास्ते में उसको कौन मिलते हैं, शेख बदल जी के साथ भेंट हो जाती है। तो दोनों जब रास्ते में जा रहे हैं, तो आसपास में आदिवासी मवासी लोगों का ग्राम है, तो मवासी लोगों ने लूटने का प्रयास किया। तो दोनों वहां से ऐसे जबरदस्ती से भाग छूटे और आगे तीनों ताके मारने पैसे बीच कमर, क्योंकि मुकुंदासी की कमर में 400 रुपये थे, उसकी गिरोह में 400 रुपये थे। उन लोगों ने लूटने का प्रयास किया तो दोनों वहां से भाग छूटे। वहां से आए पूर में ता एक दुकान पर, और दोनों कहाँ आए, कौन कौन, शेख बदल और मुकुंदासी, एक पूर मंडल नाम का ग्राम था। तो वहां जब वो ग्राम में आए तो वहां श्री जी सुंदर सा जी एक चार पाए एक खाट पर बैठे थे और कितने दिनों के भूखे, और पास में हमारे मलुकचंद और छबील दास दो सुंदर साथ भी वहां बैठे थे। जब शेख बदल भाई वहां मुकुंदासी दोनों वहां पहुंचते तब पता चला कि उसी के पास एक रुपया भी नहीं है। और शेख बदल को क्या विचार आया, शेख बदल को यह विचार आया कि जब श्री जी कामा पहाड़ी से निकले तब रास्ते की कोई खर्ची के लिए हमने पैसा दिया ही नहीं है। तो उसको एक पश्चाताप हुआ, दुख हुआ कि अरे देखो श्री जी के साथ ये दोनों सुंदर साथ भूखे कितने दिनों से, क्योंकि उसकी गिरोह में पैसे भी नहीं है। तो वहां मुकुंदासी जैसे ही वहां पहुंचे तो अपनी गिरोह से पैसे निकाल के श्री जी के चरणों में रख दिया और श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और मलुकचंद और छबील दास को बोले कि जाओ तुम बाजार से वस्तु खरीद के लाओ और जल्दी से भोजन सामग्री तैयार करो और खाना खा लो। सुंदरसा जी यहाँ इस चौपाई को पढ़ के बहुत दुख होता है, क्योंकि जिस तन में अक्षरातीत लीला कर रहे हैं, पांचों शक्तियां लीला कर रही है, तो वो तन जब उदयपुर से कहां से आए, कामा पहाड़ी से आते उदयपुर की ओर जाते समय रास्ते में कितने दिन भूखों रहना पड़ता है। जिसके चरण कमल से, ध्यान से सुनिए, जिसके चरण कमल से ये पूरे संसार को अखंड मुक्ति मिलने वाली है, जिसका चरण कमल अक्षरातीत का चरण कमल पड़ने से पन्ना की धरती हीरा उगलने वाली है। आगे जब श्री जी पहुंचेंगे पन्ना के अंदर तब वहां हीरा उगलेंगे, हीरा जहां जहां घोड़ा पग धरे तब तित तित फते होए, तो वहां की धरती पर हीरा उगलेंगे। और इतना नहीं, छत्रसाल का जो राज्य है पूरा धन संपत्ति और साम्राज्य से भर जाएगा। उस श्री जी को आज खाने का चांचा पड़ रहा है, मतलब खाने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो श्री जी ने हमको क्या सिखा पंदी इस घटनाक्रम से कि इस प्रकृति की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। बाकी तो श्री जी चाहते ने एक नैन की पलक में भी करोड़ों ब्रह्मांड अक्षर के हुक्म से बनते हैं, वो अक्षर भी सुंदर साथ जी अक्षरातीत के हुक्म से काम करते हैं, तो ये अक्षरातीत से क्या कठिनता कि वो एक क्षण में कई करोड़ों सामग्री व्यंजन
बना सकते थे, लेकिन उसने प्रकृति की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और भूखो रहे। इतना नहीं, आज के जो धर्म प्रचारक लोग हैं और बड़े बड़े पद पर बैठे हुए जो लोग हैं, हस्तिया लोग हैं, वो भी आज कितने वैभव में डूबे हैं, कितनी सुख सुविधा में डूबे हुए हैं। तो उन लोगों को और धर्म प्रचारकों को संदेश दिया कि जागनी प्रचार का काम तो अपने तप पर, अपने त्याग पर, इतना नहीं सादगी से होता है। कोई वैभव सुख में डूबने से अंदर कोई वीरव पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि धामधनी ने इस प्रसंग के माध्यम से क्या बताया कि ये तो गृहस्थी जीवन वाले इतने वैभव में डूबकर बड़ी बड़ी कोठी में या सुख सुविधा में ऐसी कमरों में रहकर ये काम करते हैं, ये सुख लेते हैं, लेकिन आप तो धर्म प्रचारक हो, आपने तो धर्म का बड़ा दावा लिया है जागनी प्रचार का, तो आपको ये बड़ा संदेश दे रहे धामधनी इस प्रसंग के माध्यम से। इतना नहीं, इस संसार में आज कई बड़े बड़े महापुरुष आए, कितना सादगी का जीवन बिताया, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे भर्तृहरि हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, सब महापुरुषों ने क्या संदेश दिया, कैसा आदर्श जीवन जी के संसार को सिखाया। तो आज ऐसे भारत देश में रह के हम वैभव सुख में डूबकर धर्म प्रचार का काम करें, ये कितना योग्य है। धामधनी ने इसी प्रसंग के माध्यम से हमको बताया। और उसके बाद जब मुकुंददासी ने 400 रुपया श्री जी के चरणों में रख दिया, या शेख बदल भाई की गिरोह में 300 रुपये थे, उसने भी श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और ये पैसे श्री जी के चरणों में रख दिया, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, न्योछावर कर दिया कि धामधनी आप जो चाहो वैसा ही हमारे पर आप आदेश कर सकते हो। और आगे रात को जब श्री जी और मुकुंददासी दोनों एक स्थान पर जब रात को सोए हैं, तब रात को क्या चर्चा विचार करते हैं, क्या विचार विमर्श करते हैं, और मुकुंददासी का भी क्या विचार था। जब उसको पता चला कि हमारे 12 मोमिन औरंगजेब बादशाह के दरबार में गए, वहां उस पर हत्याचार हुआ, तो ये हत्याचार से श्री जी के मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं, और आगे जागनी कार्य में उसके मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं, वो विचार जानने की मुकुंददासी की इच्छा थी। इसलिए मुकुंददासी ने रात्रि श्री जी के साथ रात्रि के समय विचार विमर्श किए। और जब मुकुंददासी ने श्री जी के अंदर जब इतना उत्साह, इतना आवेग जागनी प्रचार के लिए, इतनी प्रसन्नता देखी, तो मुकुंददासी ने बोला कि हे श्री जी, मैं भी उदयपुर की ओर जागनी प्रचार करता हूं। कहां? उदयपुर की ओर, वहां जरगापंथी बहुत है। देखो सुंदर साहब जी, एक एक जगह, जो पहले गोवर्धन भाई का बताया, बीच बीच में कई सुंदर साथ के नाम आए, यहां भी मुकुंददासी भी जागनी की राह पर चलने के लिए श्री जी को क्या बता रहे कि श्री जी आप आदेश कीजिए। तो उसने क्या बताया कि उदयपुर के अंदर जरगापंथी मत के बहुत से लोग हैं, उसको धनी बाबा का पंथ कहते हैं, तो जो आपका आदेश हो तो मैं उदयपुर की ओर जाऊं। पहले बता दिया कि उदयपुर की ओर गए, लेकिन आज उदयपुर की ओर अभी पहुंच रहे हैं, इस चौपाई के माध्यम से धामधनी ने बताया। तो श्री जी ने क्या बताया कि हां मुकुंददासी, तुम जाओ उदयपुर, वहां जाके सब लोगों को यही संदेश दो। क्या संदेश दो?
एक परब्रह्म संबंधी संदेश दो के तो, और जो जर्गापंथी लोग थे उसी के पास जो धर्मशास्त्र थे, या मुकुंददासी ने बताया कि उसी के धर्मशास्त्रों के अंदर भी हमारी बहुत सी साक्षियां है। क्या बताया? हमारी बहुत सी साक्षियां है। तो यहाँ श्री जी ने बताया कि हाँ तुम जाके हमारा संदेश भी वहां दो। तो यहां से मुकुंददासी विदा हुए और वो उदयपुर पहुंचते। अभी उदयपुर बाद में पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ एक चौपाई द्वारा बताया कि मुकुंददासी वहां उदयपुर लादू मसानी के वहां पहुंच गए और वहां जाके श्री जी की गरिमा पर चर्चा शुरू की। अभी आगे ध्यान से सुनिए, वहां जाके श्री जी के बारे में वो चर्चा करने लगे। इस संप्रदाय की जो फिलोसॉफी तत्व ज्ञान क्या है, सिद्धांत क्या है, उसी को लेकर श्री जी की अवलौकिक महिमा पर मुकुंददासी लादू मसानी को चर्चा में क्या बता रहे कि हे लादू मसानी, यहां सिर्फ एक चौपाई में यही बताया कि श्री जी की अवलौकिक गरिमा पर मुकुंददासी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या चर्चा बताई कि हे लादू मसानी, या जर्गापंथी मत में जो धर्म ग्रंथ है उसी में जो हमारी साक्षियां है, तो ये साक्षियों को आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं और भी साक्षियां बताऊं कि तुम माहेश्वर तंत्र को खोलो, तुम पुराण संहिता को खोलो, तुम बुद्ध गीता को खोलो, तुम बुद्ध स्तोत्र को खोलो, इतना नहीं हरिवंश पुराण को खोलो, भविष्योत्तर पुराण को खोलो। मैं बच्चों उसकी साक्षी अभी नहीं दूंगी, क्योंकि शुरू शुरू की जो चर्चा हमारी 2-3 दिन की हुई ने उसमें लगभग मैंने कितनी भी साक्षियां रख दी है। यहाँ मुकुंददासी लादू मसानी को क्या चर्चा कर रहे हैं कि इन धर्म शास्त्रों में, इतना नहीं कते परंपरा में कुरान को आप खोलिए, गुरुवाणी में भी हमारी साक्षियां है, तो सब जगह सब धर्म ग्रंथों में एक परब्रह्म, इतना नहीं वेदों में भी और उसके व्याख्यान ग्रंथ उपनिषदों में भी साक्षियां लिखी है। कौन सी साक्षियां? के पूर्ण मद, वेदों में लिखा के पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाशिष्यते। जो परब्रह्म पूर्ण है, उसका धाम पूर्ण है, उसकी पूर्णता से उसकी सब लीला भी पूर्ण है, उसकी शोभा भी पूर्ण है। पूर्ण में गुणाकार करो तो भी पूर्ण रहता है, प्लस करो तो भी पूर्ण रहता है, तो उस पूर्ण में पूर्ण जोड़ो तो पूर्ण ही रहता है। मतलब कि उसी में कोई जात की विकृति नहीं आती, कोई हास कम ज्यादा नहीं होता। उस परम धाम कैसा है? अनादिकाल पहले जो था वो अभी वर्तमान में है, और अनादिकाल बाद भी ये सृष्टि का लय हो जाएगा, लेकिन वो परमधाम और अक्षरधाम पूर्ण रहेगा। तो यहाँ परब्रह्म अक्षरातीत के बारे में ये प्रमाण बता रहे। इतना नहीं उसने ये भी प्रमाण में बताया कि वेदों में ये भी श्लोक बताया है। क्या? कि ये जो अभी मैंने गायत्री मंत्र के भी एक श्लोक बोले थे कि भू भुवस्व तत्सवितुर वर्णिनियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो उसमें भर्गो मतलब प्रकाशमय, क्रांतिमान, ज्योतिमान, इतना नहीं वो कैसा है, इतना सुंदर उसका स्वरूप है, तेजोमय है, ज्योतिर्मयी है। और आगे भी एक श्लोक में बताया कि अकाम धीरो अमृत स्वयंभू रसेन, वो कैसे, वो पुरुष धीर है, अमृत स्वरूप है, आनंद के स्वरूप है। तो ऐसी एक परब्रह्म संबंधी यहां और अनेक अलग धर्म शास्त्रों को लेकर और गीता के भी प्रमाण दिए कि गीता में के 15वें पुरुषोत्तम योग में
क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत की जो साक्षी दी गई है वही अक्षरा। और भागवत में भी जिसको सच्चिदानंद रूपाई कह के बताया गया है, और बाइबल में सुप्रीम तुत गॉड इज ओनली वन करके बताया गया है, और कुरान में कुल्लू अल्लाह अहद करके बताया गया है। तो हे लादु मसानी, क्या बताया यहां, हे लादु मसानी, ये प्राणनाथ आए हैं, तुम उनका दर्शन करो। देखो कितनी अलौकिक महिमा का गायन किया, तब तो लादु मसानी शास्त्रों की साक्षियां देंगे, तभी तो लादु मसानी स्वीकार करेंगे। तो तुम उस प्राणनाथ का दर्शन करो। अक्षरातीत को फिर बताया कि जिसको कुरान में इमाम मेहंदी कहा गया है, आखरुल साहिबुज्जमा इमाम मेहंदी, वही वेद पक्ष में निष्कलंक बुद्ध स्वरूप कहा गया है, जिसकी आज संसार राह दिख रहा है। क्योंकि मैंने एक दिन बताया था ना भागवत को लेकर कि भागवत में सुखदेव मुनि ने अवतार सब वर्णन किए लेकिन बुद्ध में रहिया उर्जाए, बताया था ना भागवत का प्रमाण लेकर कि सुखदेव मुनि ने अवतार सब वर्णन किए लेकिन 22वां अवतार कृष्ण अवतार में भी संशय रह गए। उसकी त्रिधा लीला का क्या भेद है, कृष्ण कृष्ण तो सब कोई कहे लेकिन भेद न जाने कोई। तो 22वां अवतार का भेद वो नहीं बता पाए, तो 23वां बुद्ध और कल्कि फिर कैसे बता पाते, क्योंकि संसार में कहां तक की बुद्धि थी, सपने की। जब सतगुरु धनी देवचंद्र जी यहां आए, एते द्रिन्ति लोक में हुती जो बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन। तो संसार में जितने भी धर्म शास्त्र आए वो सपने की बुद्धि से आए। जब तक ये जागृत बुद्धि संसार में नहीं आई थी, असराफिल की जागृत बुद्धि, तब तक संसार में जो धर्म ज्ञान आए शास्त्रों के, तो ये नारायण की ज्ञान अक्षर की ज्ञान धारा सदाशिव के माध्यम से नारायण, और नारायण के माध्यम से इस संसार में सपने की बुद्धि से आई। हा ध्यान से सुनना, अखंड का जो ज्ञान है बेहद का, चाहे भागवत के 10वें स्कंद का हो, चाहे गीता के कोई बेहद का ज्ञान हो, या चाहे बुद्ध गीता या बुद्ध स्तोत्र के अंदर का कोई बेहद का ज्ञान हो, या गुरु ग्रंथ साहिब में कोई बेहद का ज्ञान हो, या कबीर साहिब का कोई बीजक ग्रंथ के अंदर जो ज्ञान दिया हो बेहद का वो हो, या बाइबल के अंदर बेहद का हो, वो किस माध्यम से यहाँ उतरा, तो जबराइल जोश की शक्ति के माध्यम से उतरा। लेकिन असराफिल की बुद्धि इस संसार में आई नहीं थी। कब तक, जब तक जागृत बुद्धि के स्वरूप सतगुरु धनी देवचंद्र जी संसार में नहीं आए थे। तो सुंदर साथ जी सोचिए कैसे धर्मशास्त्रों के अंदर ये लोग आगे की बात कर सकते, सब मत पंथ लेके बैठ गए हैं, लेकिन किसी के पास निराकार के पार तीन पार के भी पार का किसी के पास ज्ञान नहीं है। तो यहां जब श्री जी की अवलौकिक महिमा के बारे में बताया तो उसी के अंदर विश्वास आ गया, और आगे उसने बोला कि हाँ तो तुम जल्दी से प्राणनाथ जी को यहां बुला के लाओ। वो प्राणनाथ कौन है, उसने प्राणनाथ नाम तो शास्त्रों के माध्यम से सुना था, लेकिन प्राणों का जो नाथ है उसको सच्चिदानंद कहा गया है, उसको अक्षरातीत गया गया है, उसको पर ब्रह्म पूर्णा नंद कहा गया है। तो सबके बारे में जब जानकारी मिली, किसको, लादू मसानी को, तो उसने बोला तुम जल्दी से बुला के लाओ। तब वहां से मुकुंदासी चलते हैं, लेकिन बीच में खंभात से वनमाली दास और गोदावरी बाई जो आगे अष्टपौर में पावड़े बिछाने की सेवा करेगी, रामबाई चंद्रबा रखने की सेवा करेगी। देखो महिला सुंदर सात क्या क्या सेवा कर रही है। तो वो सुंदर सात का भी इस समय आगमन होता है वहां, और बीच में थोड़े सुंदर सात का वहां आगमन भी होता। अभी मैंने बताया कि वनमाली दास खंभात से
जिसने सिंहासन बंगलाजी दरबार में, मैं याद दिलाऊं, जिसने सिंहासन बंगलाजी दरबार में जो बनाया है वो वनमालीदास खंभात वाले सुंदर सात का बनाया हुआ है। अभी बंगलाजी दरबार में है ना, जो ये सुंदर सात का नाम यहाँ आया, इस सिंहासन तभी बनमाली दास ने बनाया है। बंगलाजी दरबार वाला जो भी श्री जी विराजमान है ने वो, और गोदावरी बेन और रामबाई भी वहां आती है, और बीच में और सुंदर साध भी आते हैं, और श्री जी आगे के बीतक के घटनाक्रम को वर्णन करते हैं कि तभी बाई जी साथ और सुंदर साथ आगरे में रखा था, क्योंकि धर्म युद्ध के लिए सुंदर साथ युवान वर्ग ही गए थे ने, बुढ़े बच्चे और महिला सुंदर साथ को कहां रखा था, आगरे में। तो यहां श्री जी ने आदेश दिया मुकुंददासी को कि तुम पहले आगरे जाओ, पहले तुम अभी उदयपुर नहीं पहुंचे हैं, ये तो बीच बीच में प्रसंग को जोड़ा है सिर्फ, फिर आगे जाके जब लादू मसानी के भाई के वहां चर्चा होगी बाद में, फिर लादू मसानी के घर आएंगे, तो यहां पहले श्री जी ने आगरे भेजा, और आगरे जाके फिर मुकुंददासी सबको लेकर आएंगे, और पहले आगरे भेजा और बाद में श्री जी ने बाई जी को बुलाने के लिए सुंदर सात को बोला, और बाई जी सहित सब सुंदर सात जो आगरे में थे सब चलकर कहाँ आए, उदयपुर के अंदर, और सब सुंदर सात वहां उदयपुर के अंदर मिलते हैं, और वहां श्री जी अपनी चर्चा भी शुरू कर देते हैं। वहां श्री जी इतनी जोर शोर से, इतनी पूरे प्रवाह में कैसे इतना रस बहाते हैं कि वहां चर्चा शुरू कर देते हैं, और श्री जी पहले लादू मसानी के भाई के वहां आए, और वहां से लादू मसानी को पता चला कि श्री जी उदयपुर पहुंच चुके हैं, तो फिर उसने वहां आदेश भेजा कि भाई तुम वहां से श्री जी को बुला के मेरे घर लाओ। तो फिर लादू मसानी के घर आए, और उसने पास में अपनी एक हवेली निवास स्थान की व्यवस्था कर दी, सब सुंदर साथ वहां ठहरे, और वहां श्री जी की चर्चा शुरू हो गई। जब श्री जी की चर्चा शुरू हुई तो वहां दो राजपूत, वहां दो राजपूत हवेली के पास में रहते थे, वो भी चर्चा सुनने लगे। कहां सुनी, अपने घर में बैठकर चर्चा सुनी, उपली पहचान हुई, पूर्ण पहचान नहीं हुई। उसी के बाद नूर मोहम्मद, कौन, नूर मोहम्मद भी वहां आते हैं, और श्री जी की जब चर्चा सुनते हैं तो उसके अंदर परम धाम का मूल अंकुर था। धामधनियक वाणी में चौपाई बताते हैं कि सो, ध्यान से सुनिए, सो साल रहो साथ में, धनी अनुभव सो बेर, मूल अंकुर दया बिना कर्मे डाले अंधेर। आप शायद 100 साल सुंदर साथ के बीच में रहो, कदाच माया का जीव थोड़ा प्रयास मेहनत करके वीरों में डूब के चितवनी के माध्यम से अनुभव भी कर ले, लेकिन मूल अंकुर दया बिना, जो परम धाम का अंकुर नहीं है, तो फिर आवागमन का चक्कर रहेगा। तो यहां क्या बताया कि नूर मोहम्मद के अंदर परम धाम का अंकुर था, तो जैसे ही श्री जी की चर्चा सुनी तो श्री जी, नूर मोहम्मद पठान था, तो श्री जी ने कुरान को लेकर चर्चा सुनाई, परम धाम को लेकर चर्चा सुनाई कि जिसको कुरान में जोई कहा गया है, ये नूर मोहम्मद वो तो जमुना जी है परम धाम में बहने वाली। और आगे होज को सताल की, पुखराज की, सात घाट की जो निशानियां कुरान में दी गई है, और चार आसमान की जो सब निशानियां दी गई है, तो हे नूर मोहम्मद, इस मोहम्मद सल्लल्लाहु वसलम आपके जो 120,000 पैगंबर हुए उसके अंतिम पैगंबर मोहम्मद से, तो मोहम्मद ही तो अंतिम पैगंबर वहां पहुंचे, कहां, अरसे अजीम लाहूत,
उसने खुदा ताला के रूबरू होकर दर्शन किए हैं। तो ये सब बातों को लेकर जब नूर मोहम्मद को समझाया तो वो गलित गात हो गया, प्रेम में भीग गए, प्रेम में डूब गए श्री जी के अंदर। और वहां एक पास में कोई बारात आई थी, पास में कोई बारात आई थी, बारात के अंदर कोई सैयद आया था, तो सैयद ने भी श्री जी की जब चर्चा सुनी तो सैयद भी ऐसे श्री जी की चर्चा में गलित गात हो जाता है। और आगे धामधनी ने क्या बताया कि जब ये सब ने चर्चा सुनी और आगे जब नूर मोहम्मद को फिर अवल खान मिलेंगे, इससे पहले जो हमारे मोमिन कितने समय से बादशाह की कैद में है, 4 महीने से, कितने समय से है, 4 महीने से। वहां से मोमिनों ने पत्री लिखी श्री जी को कि श्री जी आप आज्ञा दो, आदेश दो, जो आपकी इच्छा हो तो हम आपके पास आना चाहते हैं, और जो आपकी आज्ञा न हो तो हम कोई बात नहीं, हम औरंगजेब बादशाह के कैद खाने में रहेंगे और वहाँ उन दरबारी लोगों को जो जो सनन से समझेंगे, जो जो प्रश्न पूछेंगे वो हम समझाते रहेंगे, लेकिन श्री जी जो आपकी आज्ञा हो तो हमारे नेत्र आपके दर्शन के लिए तरस रहे, तो हम आके आपका दर्शन करें और तृप्त हो जाए। तब जब ये पत्र लिखा एक विनंती के स्वरों में, यह पत्र जब श्री जी के पास पहुंचा, जब श्री जी के पास कामा पाड़ी में पहुंचा तो श्री जी ने क्या बोला कि तुम आ जाइए। और मोमिनों ने साथ में यह भी लिखा था कि श्री जी हमने सब मेहनत हम कर चुके हैं, हम सब प्रयास कर चुके हैं, ये इमाम मेहंदी संबंधी ये क्यामत सभी सब संबंधी संदेश पहुंचाने में, लेकिन वो डंडे के बिना ये मुसलमान लोग मानने वाले नहीं है, तो आपकी आज्ञा हो तो हम आपके पास आ जाए। तब जब ये सुना ने श्री जी ने, तो श्री जी ने एक पत्र भेजा और पत्र में क्या लिखा कि हाँ मोमिन, हे सुंदर साथ तुम आ जाइए, वो अब डंडे के बिना मतलब सजा के बिना वो मानने वाले नहीं है। तब मोमिन को ये पत्र मिला तो मोमिन इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए और प्रसन्न चित्त वो काजी शेख इस्लाम के पास गए और क्या बोला कि हम अब हमारे निवास स्थान पर वापस जाना चाहते हैं, आप हमको छुट्टी दे दीजिए। तब शेख इस्लाम काजी ने बोला कि आज तो मैं छुट्टी नहीं दे सकता, मैं बादशाह को एक बार मिल लूं, और इतना नहीं हमारे जो अग्रगणी अंदर के और लोग हैं उसकी भी एक मीटिंग रखी जाएगी, सबको सूचित किया जाएगा और सबके पास राय ली जाएगी, बाद में बादशाह भी क्या बोलेंगे, तो आप ऐसा करो परसों आइयो तब आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो मोमिन भी इंतजार में है, एक दिन गया और दूसरे दिन फिर शेख इस्लाम काजी से मिले और शेख इस्लाम काजी ने बादशाह को संदेश पहुंचाया कि बादशाह ये वो मोमिन है, सब बातें पहले से बताई कि गुसल खाने पर रुका छोटान चिपकाने वाले वो मोमिन है, इतना नहीं नलुओं के माध्यम से पत्र देने वाले वो मोमिन है, वो इतना नहीं खुदा ताला के नेक बंदे वो मोमिन है, ये नहीं सरा तोरा के सामने युद्ध करने वाले और सरा तोरा को चुनौती देने वाले वो मोमिन है। देखो कितनी बातें बताई शेख इस्लाम काजी ने औरंगजेब बादशाह को। तब बादशाह ने क्या बोला कि हे काजी, हे शेख इस्लाम, कोई बात नहीं, वो जाना चाहते हैं ना, तुम उसको छुट्टी दे दो और उसको रास्ते की खर्ची के लिए 100 रुपया भी दे दो, क्योंकि उसके अंदर कौन बैठी है, परमधाम की
साकुमार की आत्मा। देखो एक दो बार पहचान भी हुई लेकिन बाद में अंदर संशय, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान का राज्य था उसके हाथ में। तो इस अहम ने इस नशे के चूर होने के कारण वो पहचान नहीं कर पाए। और रास्ते की खर्ची के लिए जब शेख इस्लाम काजी ने मोमिनों को पैसा हाथ में दिया और विदा किया, और मोमिन अपनी वेशभूषा जो मुस्लिम वाली थी वो बदल के हिंदू वेशभूषा धारण करके दिल्ली में अंदर आए। वो कैद से बाहर निकल के दिल्ली के अंदर आए और दिल्ली में दो तीन दिन रुक कर फिर श्री जी के पास पहुंचे। कहाँ? उदयपुर। अब श्री जी कहाँ है? उदयपुर। और उदयपुर पहुंचे और वहां आके अपने जागनी के काम अपने सिर पर ले लिया। वो श्री जी को बोले कि श्री जी अब आगे जागनी का काम क्या करना है। अब 6 बज गए सुंदर साहब जी। और वहां आके जो जो सुंदर साथ श्री जी को मिलते हैं, बहुत से सुंदर साथ का मोमिनों का नाम है उसमें, लालबाई है, उसकी बेटी श्यामबाई है, अनंत राम है, चंचल जी है, गंगाराम है, और सब सुंदर साथ आके मिलते हैं। वहां श्री जी की इतनी चर्चा का प्रवाह शुरू हो जाता है इतना। और वहां आहेड़ के सुंदर साथ भी वहां आके मिलते हैं। और आहेड़ के सुंदर साथ में मोटीबाई करके एक महिला सुंदर साथ है, वो रोज श्री जी की मस्करी के साथ हंसी के साथ लीला करती है, क्योंकि राज जी ने उसको शोभा दी है। क्या दी है? ये मोटीबाई की बात जब अष्टपोर के बीच तक में हम पहुंचेंगे ने, तब भी उसकी मतलब लीला का वर्णन वहां भी आएगा कि जब श्री जी के साथ मस्करी क्या करती होगी और रास्ता जब रोक के क्या बोलती होगी। सुंदरसा जी ये कहती थी कि ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहो गे मांगिया तुम। क्या बताया कि अब कैसे अर्ज करो कहोगे मांगिया तुम। धाम धनी हमने ये खेल मांगा और आपने दिखाया है, अब हम कैसे अर्जी करें, क्योंकि हमने मांगा और आपने बताया। वास्तव में तो यही था कि अंदर खेल उपजाने वाले भी राज्जी थे, हमारे अंदर इच्छा उपजाने वाले भी राज्जी थे। तो यहाँ सुंदरसा जी मोटी बाई को ये हंसी मजाक करने की शोभा राज जी ने दे रखी थी। और 6 बज गए अभी तो प्रकरण बहुत आधा है, कोई बात नहीं, हम कल पूर्ण कर लेंगे। ये चौपाई को हम दोहराए कि यहाँ आहेड़ के सुंदर साथ भी बहुत आए और वहाँ भी चर्चा का प्रवाह शुरू हो गया। और जो कल का प्रसंग है यहाँ से पूरा प्रसंग भी बदल रहा है कि जो उदयपुर के राजा और वहाँ के जो पंडित लोग, राणा लोग और वहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं वो कैसे निंदा स्तुति करते हैं, और सत्य बात श्री जी की और सुंदर साथ की वहाँ नहीं पहुँचाते क्योंकि वो पेटारथु लोग हैं। तो यहाँ से ये प्रसंग भी थोड़ा बदलता है, तो हम ये कल ही लेंगे। यहाँ हम ये चौपाई को विराम देंगे और हम चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ साथ आहेड़ का आईया, और मोटी बाया मस्करी राजसो करे, खुशखबरी राजसो पाई,
खुश खबरी राजसो पाई। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। चलो।